आप सभी काफी टाइम से एक चर्चा सुन रहे होंगे, राफेल। ये वैसे तो चर्चा में रहा है, बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन हाल ही में 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कि आपके देश में भी 5 राफेल आ चुके हैं। ये आपकी इसकी पिक्चर्स है, देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका राफेल। याद रखिए, मुझे लगता है कि जब हमें सबसे ज्यादा खुशी हम सबको तब होगी जब इससे भी बेहतर क्वालिटी के हम लोग राफेल अपने देश में बना रहे होंगे, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि जो देश बेच रहा है, अगर ऐसा होता कि ये शक्तिशाली हुआ होता इससे राफेल से, तो जो देश बना रहा है वो तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम लोग ऐसी शिक्षा व्यवस्था में करनी चाहिए कि हमारे देश में इससे और बेहतर क्वालिटी के बन सकें, तब हम लोग आत्मनिर्भर कहलाएंगे। अभी तो आप सोचिए कि दूसरे देशों से हम लोग कुछ जो कुछ खरीद रहे उससे हम लोग आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकते, यानी कि जो हमारा नारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, ये तभी सक्सेस हो सकता है जब सभी तरह की चीजें हमारे यहाँ जो उपयोग की हैं वो हमारे ही उत्पादन हो, ठीक है। और अगर हम लोग बाहरी देशों से खरीदें भी तो जितना खरीद रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग उन्हें बेचें, तभी हमारा देश एक अच्छी तरक्की कर पाएगा और अच्छी स्थिति में पहुंच पाएगा। तो मुझे लगा कि राफेल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आप लोगों को बता देना चाहिए, किस देश से लिया गया है, कहाँ है वो देश, वो किस कंपनी ने इसे बनाया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल कॉम्पैक्ट जेट शामिल हो गए हैं, और फ्रांस ने उड़ान भरे 5 राफेल बुधवार को आपके अंबाला एयरबेस यानी कि भारत पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो आपका वायुसेना युद्धक क्षमता में भी इजाफा होगा, यानी कि उसकी शक्ति में, वायुसेना की शक्ति में इजाफा होगा। राफेल की काबिलियत ऐसी है कि इसकी डिमांड कई अन्य देश, यानी कि हमसे पहले भी कई देश इसकी राफेल को खरीद चुके हैं, याद रखिए। राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन है, इस कंपनी को याद रखना, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस कई बार बन जाएंगे कि किस कंपनी बनाया है। डसॉल्ट वनडे एग्जाम में भी ये आपका पूछ सकता है और इंटरव्यू में भी आपका पूछ लेगा। डसॉल्ट एविएशन ने भारत के अलावा कई दूसरे देशों को भी इसकी बिक्री की है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने राफेल को भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्नत कराया है, यानी कि हमें जो जरूरत, इसमें खास जरूरतें थी उसमें उन्नति, मतलब उसमें सुधार किया गया। आपने कुछ समय पहले विवाद भी सुना था कि कांग्रेस के सर का समय जो राफेल की डील हुई थी वो सस्ती थी, और जो बीजेपी के समय हुई है एनडीए सरकार के समय, उसमें आपने देखा है कि महंगे हैं वो। तो कहा जा रहा है कि इसमें कुछ उन्नत संस्करण लगे हुए हैं, जो कांग्रेस ने जब डील की थी उस समय उसमें ये व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। जो भी रहा हो, लेकिन आ चुके हैं 5 आपके देश में। एक बार मैप्स पर चलते हैं, ये हमारा प्यारा भारत, देखिए ये हमारा प्यारा भारत। इससे आप लोग जैसे ही, ये आपका फ्रांस, यूरोप में दिख रहा होगा आपका, ये आपका फ्रांस, तो यहां से आ चुके हैं भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भारतीय वायुसेना के फ्लीट में शामिल कर सबसे घातक फाइटर होंगे, जिनमें क्षमता आपकी चाइनीज J-20 और पाकिस्तान के F-16 से कहीं ज्यादा है, यानी कि जो चाइनीज का J-20 है और पाकिस्तान का एक F-16 है उससे इसकी ज्यादा, कुछ ज्यादा ही क्षमता है, शक्तिशाली है। अगर हम लोग राफेल विमान के बारे में सामान्य जानकारी दें तो राफेल विमान फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है, 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमान को आर्मी रॉल विमानों के रूप में देखा गया है, जो युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने में सक्षम है। तो याद रखिए, इस कंपनी को इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं, कितने, 2। हवाई क्षमता हो या फिर जमीनी कार्रवाई हो, या फिर दूसरे से दूर से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाना हो, इसमें राफेल विमान का जवाब नहीं, यानी कि इतना उन्नत है कि जमीनी या हवाई जो भी क्षमता हो इसकी, फिर चाहे जमीनी कार्रवाई हो या फिर दूर से दुश्मन को धूल चटाना हो, तो इसमें इतनी क्षमताएं दी गई हैं कि ये काम इससे हो सकता है आराम से। मौजूदा समय में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक आपका राफेल लड़ाकू विमान है। यह एक बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है। इसकी विमान की लंबाई की बात करें तो 15.27 मीटर है, और इसमें एक या फिर दो पायलट ही बैठ सकते हैं। यह विमान ऊंचाई वाले इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। यह 1 मिनट में आपका 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में, ये आपका 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है।
यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। कितना? 24,500 किलोग्राम भार उठाकर ये उड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार आपकी 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आपका 3800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। आप सोचिए कि ऐसे स्थान है, कई जम्मू कश्मीर के इलाके कई हैं, फिर चाहे अरुणाचल प्रदेश तरफ लीजिए, जहाँ आप समझिए कि रेलगाड़ियों का यानी कि कोई और सुविधा जा पाना पाना संभव नहीं। तो वहाँ अगर आपको कोई टैंक ले जाना है, आप सोचिए कोई गोला बारूद का इस तरह की कोई भी सामान पहुंचाना है, तो ये आपका 24,500 किलोग्राम का सामान वहां तक बहुत जल्दी पहुंचा सकता है। यानी ये हमारे लिए सैनिक क्षमता में बहुत बड़ी वृद्धि भी देखी जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग बड़े बहुत टाइम लगता था आपको वहां तक जाने में, तो आप समझ सकते हैं इससे काफी आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। ऑप्टोनिक सिक्योर फ्रंटल इन फ्राइड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस इस विमान में MBDA MICA, MBDA मेटेओर और MBDA अपाचे जैसी कई तरह की खतरनाक मिसाइलें और गन लगी हुई हैं। यानी कि ये आपके गन और मिसाइलों के नाम है, जो पल भर में दुश्मनों को खत्म कर सकती है। यानी कि ये आपका मिसाइलों और गन से लोडेड है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस तरह की मिसाइल चीन, पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में किसी के पास अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, यह हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कल्प मशीन से लैस है। स्कल्प मशीन रेंज आपकी 300 किलोमीटर है, जो कि 4.5 जनरेशन के ड्विन इंजन से लैस है। यानी कि दो ट्विंस इंजन से लैस है, दो इंजन से। वर्तमान में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान रूस से खरीदा गया सुखोई विमान है। राफेल की कई खासियतें उसे सुखोई से ज्यादा कारगर बनाती हैं। जो हम लोगों ने सुखोई आपका रूस से खरीदा हुआ था, उससे भी ये कई गुना अच्छा बेहतर क्वालिटी है इसमें। ठीक है, राफेल की मारक क्षमता की बात करें तो 78 से 10 1055, यानी कि 78 से आपका 1055 किलोमीटर तक है, जबकि सुखोई की मारक क्षमता आपकी 400 से 550 किलोमीटर तक है। यानी कि कई बातों में आपका देखेंगे हर तरह से सुखोई से बेहतर है आपका राफेल। अब बात करते हैं भारत ने आखिर कब समझौता किया था इसके बारे में। भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 36 कितना 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए में डील की। दोनों सरकार के बीच इस बाबत समझौते पर हुए दस्तखत कि करीब 4 साल बाद राफेल विमान की पहली खेप भारत को मिल रही है। ये पांच इसी तरह से आपके 36 आना है टोटल। इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना की बेड़े की ताकत में इजाफा तो होगा ही। अक्टूबर 2019 में डासॉल्ट एविएशन ने पहले राफेल जेट की को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मौजूद में भारतीय वायुसेना को सौंपा था। 2021 तक अंत तक सभी आपके 36 राफेल जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी। अब संभावना है आगे पीछे भी हो सकता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। ठीक है, लेकिन आना है 36। ठीक है, डासॉल्ट की ओर से भारतीय वायुसेना पायलट और सभी सपोर्टिंग स्टाफ को एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। अब उस कंपनी ने आप सोचिए बनाया है, तो उसे मालूम होगा कि किस तरह से इसका उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ के जो भी आपके वायुसेना पायलट होंगे, उन सभी को यहाँ इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। फिलहाल ये लड़ाकू विमान जो भारतीय एयरफोर्स की ताकत आसमान में और बढ़ाने वाले हैं, वैसे भारत पहला देश नहीं है ऐसे खरीदने वाला जिसने फ्रांस से राफेल खरीदा है। इसके पहले भी कुछ देश इसकी डील कर चुके हैं, कुछ देश कतार में भी, यानी कुछ अभी कर भी रहे, वहीं कुछ डील पूरी नहीं हो पाई है। आखिर क्या इस फाइटर जेट में ऐसा खास क्या है कि जो हम लोगों ने देखा है कि इसमें यही खासियत है कि इस तरह से हर देश इसे लेने की बात कर रहा है। अगर हम लोग इजिप्ट की बात करें तो भारत से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। इस पॉइंट को भी याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लेगा कि राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा था, इजिप्ट। इजिप्ट ने सबसे पहले फ्रांस से राफेल खरीदने के लिए 2014 में बात शुरू की थी। 16 फरवरी 2015 को इजिप्ट राफेल का पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना और 24 विमानों के लिए ऑर्डर दिया। यह डील तब 590 करोड़ डॉलर की थी। 2016 में उसे फ्रांस से राफेल मिलने शुरू हो गए थे। नवंबर 2017 तक उसे 17 राफेल मिल भी चुकी है। हमसे पहले आप समझ सकते हैं इजिप्ट को मिल चुके हैं। अगर हम लोग कतर की बात करें तो 4 मई 2015 को कतर ने फ्रांस से 25 राफेल खरीदने के लिए डील की।
इसके लिए 700 करोड़ रुपए, सॉरी रुपए की बात कर रहा हूँ, डॉलर, 700 करोड़ डॉलर में डील हुई थी। आगे 12 और जेट खरीदने का भी विकल्प रखा गया। 2019 में कतर को पहला रफेल मिल चुका है। एक बात आप लोग यहाँ सोच के देखिए, आप लोग अपना दिमाग लगा के देखिए, जो देश इतना बड़ा उत्पादन करता है और दुनिया भर उससे मांग कर रही है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती होगी इनसे, आप सोच के देखिए इस बात को। अगर हम लोग, आप सोचिए कि बना रहे होते तो इतना रुपया हमें देने की जरूरत ना पड़ती, और हम अपनी जो भी, आप समझते हैं कि आप जो भी बनाएंगे उस पर आपको ज्यादा भरोसा भी होता है, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से इसे बनाया गया है। दूसरों पर हम लोग भरोसा कम ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो यही बात है, मैं खुशी तभी होनी चाहिए जब मुझे लगता है कि हमारे देश पूरी तरह से निर्भर हो जाए इस तरह के आयात निर्यात पर। आप समझिए कि अब चाइना है, वहां से हम लोग मोबाइल की, आप सोच लीजिए, कहा जा रहा है कि अभी कहीं रिपोर्ट पड़ रहा था कि 5 फोन अगर आपके यहाँ बेचते हैं तो उसमें से 4 पर चाइनीज कंपनी का दावा है। हमारे यहाँ जो भी दवाइयां बनाई जा रही है उसका 70-80% आप आयात करते हैं कच्चा माल चाइना से। कई तरह से हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जब तक इस निर्भरता को खत्म नहीं करेंगे या बहुत कम, काफी सीमित मात्रा तक नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग आत्मनिर्भर बन नहीं सकते हैं। आप भी जानिए कि आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने आप पर पूरी तरह से डिपेंड होना होगा। आप ही सोचिए कि आप कहीं भी हैं, आप तभी आत्मनिर्भर हो सकते हैं जब आपके पास काफी सामान हो, खाने की सुविधा हो। और आत्मनिर्भर का ये भी मतलब नहीं है कि पूरी तरह से दूसरे देशों से आप लोग आयात बंद कर दें, नहीं। अगर आपके, आप दूसरे से 1 किलो आटा खरीद रहे हैं तो उसे 1 किलो आप लोग कुछ और बेच रहे होंगे, मतलब कि आपका व्यापार है जो बराबर चले। ऐसा नहीं कि आप बेच रहे हैं 1% और खरीद रहे हैं 60%, यानी कि व्यापार घाटे में आप चल रहे हैं, तो इस तरह का नहीं है इसमें। आत्मनिर्भर का मतलब है कि आप काफी स्थिति में हैं, यानी कि आप अगर आप बंद करते हैं किसी देश से व्यापार, किसी देश को रोकते हैं व्यापार को, तो आपको ही उतना नुकसान होना चाहिए और सामने वाले को भी उतना ही नुकसान होना चाहिए। अभी चीन को आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से उस पर निर्भर हैं, और बाकी देशों का आप देख सकते हैं। तो इस पर हमें इस तरह से काम करना होगा। आपकी शिक्षा नीति भी अभी आज ही कल बनी हुई है, तो उस पर भी बात करेंगे, टाइम मिलने दीजिए और देखते हैं आखिर। मुझे लगता है कि अगर दो चार जो हमारे देश के जो आधार स्तंभ हैं, अगर हम लोग उन पर सुधार कर लें तो हमारा देश बहुत आगे बहुत सकता है। एक आप शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, ये दो चार ही मुद्दे तो हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को, यानी कि पूरे देश को विकसित और विकासशील देशों में जोड़ के रखते हैं, समझ रहे हैं? चलिए मिलते रहेंगे हम लोग आगे, और भी बात करते रहेंगे, ठीक है।